हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप। ये लेक्चर बीएससी बॉटनी एंड एमएससी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर एंडोस्पर्म और उसके टाइप्स को और उसके डेवलपमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म है क्या। द एंडोस्पर्म इज़ द टिश्यू प्रोड्यूस इनसाइड द शीट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो फ्लावरिंग प्लांट के शीट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कब प्रेजेंट होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमारा एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट की जो फैमिली है उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे कि ऑर्चिडिएसी, पोडोस्टेमिएसी और ट्रैपिएसी के अंदर एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट आर यूनिक इन एग्जिबिटिंग डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट यूनिक हैं क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इन दिस प्लांट टू मेल गैमीट आर डिलीवर इनटू द एम्ब्रियो सैक। जो मेल गैमीट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिलीवर होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब होती है प्लांट के फ्लावर के अंदर, उससे उससे क्या होते हैं, दो गैमीट डिलीवर हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, एट विच वन फ्यूज विद द एग सेल। एक गैमीट जो मेल गैमीट है वो एग सेल से फ्यूज़ होगा और जो अदर है वो फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो ये एग सेल थी ये फर्टिलाइज होके एग सेल बनाएगी, इसका मीनिंग जायगोट बनाएगी। ठीक है, यानी कि जो एग सेल के साथ मेल गैमीट फ्यूज़ हुआ था वो आगे चलकर जायगोट बनाता है। ये 2N स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ठीक है, या पोलर न्यूक्लियाई था, वो मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होगा और 3N स्ट्रक्चर, यहाँ पर ए नहीं 3N स्ट्रक्चर बनाता है। ये आगे चलकर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व्ड बिलो द जाइगोट। ये देखो, यहाँ पे जाइगोट है, जस्ट इसके नीचे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इट्स डिवाइड फर्दर डिवीजन ऑफ इट्स प्रोडक्ट गिव राइज टू एन एंडोस्पर्म। ठीक है, ये डिवाइड करेगा, यानी कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा और एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा, मैच्योर एंडोस्पर्म बनाएगा। द न्यूट्रिटिव रोल ऑफ द एंडोस्पर्म हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड। इट्स वर्क एज अ नर्स सेल फॉर एम्ब्रियो फ्रॉम द प्रो एम्ब्रियो स्टेज अंटिल इट्स बिकम सेल्फ सफिशियंट एंड कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। यानी कि जो एंडोस्पर्म है, जब एंडोस्पर्म तैयार हो जाता है तो वो क्या करता है, वो एम्ब्रियो की न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे नर्स होती है वो अपने बच्चे को मतलब देख रेख करती है बच्चे की, वैसे ही एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की देखभाल करता है, उसको न्यूट्रिएंट देता है। द एंडोस्पर्म टिश्यू इज सोर्स ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर सच एज जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, कोकोनट वाटर और समटाइम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द कॉर्न एंडोस्पर्म। ठीक है, कॉर्न एंडोस्पर्म एट द मिल्क स्टेज आर एड टू द न्यूट्रिएंट मीडिया ऑफ द टिश्यू कल्चर टू स्टिमुलेट ग्रोथ। जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसके अंदर कॉर्न एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर को यूज़ कर सकते हैं ताकि उसे, क्योंकि ये सब एंडोस्पर्म में ही आते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर, ताकि हमारे कल्चर मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड हो सकें, इसलिए कोकोनट वाटर का यूज़ करते हैं। इन द डेवलपिंग एंडोस्पर्म ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड रिजर्व स्टोर्ड इन द न्यूसिलस एंड इंट्यूगमेंट। इन सेवरल फैमिली द डेवलपमेंट ऑफ द चलाजल माइक्रोपाइलर और सेकेंडरी एंडोस्पर्म होस्टोरिया लीड टू द पार्शियल और इंटायर एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंट्यूगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बेस ऑन द मोड ऑफ द डेवलपमेंट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म न्यूक्लियर सेलुलर हेलोवियल।
यहाँ पर एक नेचुरल क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर कि विच ऑफ दिस थ्री एंडोस्पर्म इज प्रिमिटिव, इन तीनों में से कौन सा प्रिमिटिव टाइप का एंडोस्पर्म है। तो यहाँ पर इसी का आंसर दिया गया है, वन कैन ड्राइव द हेलोवियल फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर एंड द सेलुलर फ्रॉम द हेलोवियल टाइप। ठीक है, ये हेलोवियल यानी कि दोनों का कंबाइन है, न्यूक्लियर का भी सेलुलर का भी। ठीक, तो ये तो प्रिमिटिव में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, दिस थ्री टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रिमिटिव एंड एडवांस फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म एज इन आल्सो ट्रू ऑफ द सेवरल अदर एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर। जैसे और करेक्टर हैं वैसे ये सारे तीनों एंजियोस्पर्म की फैमिली के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ये तीनों एंडोस्पर्म। लेकिन जनरली अगर देखें तो न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो कॉमन है पॉलीपिटेली के अंदर, सेलुलर टाइप का जो है वो सिम्पिटेली के अंदर कॉमन है, हेलोबियल टाइप का मोनोकोटिलिडॉन के अंदर कॉमन है। न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ द टैक्सा कंपेयर विद अदर, यानी कि न्यूक्लियर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वही प्रिमिटिव होगा। इन्होंने इस कंडीशन पे न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म को प्रिमिटिव कहा। ठीक है, पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे देखो, पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमेट एंटर करते हैं। ठीक है, दो मेल गैमेट एंटर किए, जो एक मेल गैमेट होता है वो देखो, यहाँ पर देखो पहला मेल गैमेट है, ये पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज हुआ। तो यहाँ पर दो थे ना पोलर न्यूक्लियर, एन प्लस एन और एक ये आया एन, तो कितने हो गए थ्री। तो इससे बनता है एंडोस्पर्म। एक जो यहाँ पे मेल गैमीट है वो हमारे एग सेल, ये जो बीच में बड़ी सेल है ना, एग सेल से फ्यूज़ होता है स्पर्म, या स्पर्म कह लो या मेल गैमीट कह लो, तो क्या बनता है, हमारा जायगोट बनता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म है उसमें क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कौन सा, ये वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो पोलर न्यूक्लियर था या सेकेंडरी न्यूक्लियर था, इससे मेल गैमेट आकर फ्यूज हो गया, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है और लार्ज नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक, तो जो स्टार्टिंग के डिवीज़न होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, तो वो कौन से किस टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस, यानी कि एक था ना सिंगल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो दो बनाता है, दो न्यूक्लियाई, दो से चार न्यूक्लियाई बनते हैं, चार से आठ बनते हैं, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस न्यूक्लियाई बनते हैं, ऐसे ही बनते जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जो न्यूक्लियर डिवीज़न है वो नॉन सिंक्रोनस टाइप का हो जाता है। ठीक है, देन इसके आगे देखते हैं क्या है, द न्यूक्लियाई में बी सीन इन डिफरेंट स्टेज इन द डिवीज़न। जब नॉन सिंक्रोनस हो जाएगा तो डिफरेंट स्टेजेस में दिखते हैं न्यूक्लियाई डिवीज़न के। द फ्री न्यूक्लियाई सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एम्ब्रियोसाइट आफ्टर द सम टाइम न्यूक्लियाई बिकम ग्रेजुअली पुश्ड टूवर्ड द पेरीफेरी। मतलब बीच में क्या होता है, वो पेरीफेरी रीजन की ओर पुश किए जाते हैं, और बीच में सेंटर में क्या बन जाता है, वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, आ लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई एक्यूमुलेटेड टूवर्ड द माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड, दिखाता हूँ आपको। तो देखो, ये न्यूक्लियाई जायगोट है, ये प्राइमरी न्यूक्लियाई है। ठीक है, मतलब सॉरी, एंडोस्पर्म की न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं, ये वो दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए हैं और ये पेरीफेरी की ओर पुष्ट किए गए हैं, तो यह बीच में सेंट्रल वैक्यूल बन गया है। यहाँ पर डायग्राम है एंडोस्पर्म, मतलब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, ये वाला, और ये सारे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसमें क्या हुआ, सेलुलराइजेशन हो गया, मतलब सेल बन जाती है, कई केसेस में सेल भी बन जाती है, तो सेलुलराइजेशन एंड में हो जाता है। यहाँ पे टाइप दे रखे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या क्या होता है। अब आता है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म नेम इंडिकेट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉर्म द लेइंग डाउन ऑफ अ वॉल, यानी कि न्यूक्लियाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवाइड किया और तुरंत वॉल बन जाती है, तो ऐसे करके हमारा सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म बनता है। फिर आता है हेलोवियल एंडोस्पर्म, ये दोनों का कंबाइन होता है, दैट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप। दिस डिवीजन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वॉल, एम्ब्रियो सैक इज डिवाइड इनटू अ टू चैम्बर, माइक्रोपाइलर चैम्बर और चलाजल चैम्बर।
यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई डिवाइड किया, तुरंत सेल वॉल बन, मतलब सेल वॉल फॉर्म हो जाती है। तो जो पूरा वो तो दो पार्ट में एम्ब्रियो सैक डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट में, पहला होता है माइक्रोपाइलर पार्ट और दूसरा होता है चलाजल पार्ट। ठीक है, माइक्रोपाइलर चैम्बर इज अ लार्ज और अंडरगोज द एक्टिव न्यूक्लियस डिवीजन। माइक्रोपाइलर चैम्बर में लार्ज होता है और उसके अंदर एक्टिव डिवीजन होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन चलाजल चैम्बर में क्या होता है, वो स्मॉल होता है, उसके न्यूक्लियस या तो डिवाइड नहीं करते हैं या बहुत कम डिवीजन शो करते हैं। बाद में क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली द माइक्रोपाइलर चैम्बर। बाद में माइक्रोपाइलर चैम्बर में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है उसके बाद। ठीक है, और यहाँ एंडोस्पर्म द चलाजल चैम्बर इवेंटुअली बिकम क्रश्ड और इट्स न्यूक्लियाई मतलब उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो सब कहाँ गया, हाँ, जो उसके चलाजल चैम्बर होता है वो क्रश हो जाता है और उसके न्यूक्लियाई सारे खराब हो जाते हैं, सब डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो स्वामी और परामेश्वरन के अकॉर्डिंग क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रू हेलोवील एंडोस्पर्म इज ओनली फाउंड इन द मोनोकोटिलेडन फैमिली। इट्स इफ इट इज ऑकर्स इन डाइकोटिलेडन फैमिली इट इज नॉट ओनली अ मोडिफिकेशन, इट इज ओनली अ मोडिफिकेशन ऑफ द सेलुलर और न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। इनका कहना है कि हेलोवियल टाइप खाली मोनोकोटिलेडन फैमिली के अंदर ही कंजर्व है, लेकिन वो डाइकोटिलेडन्स के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन अगर वो डाइकोटिलेडन्स के अंदर पाया जा रहा है तो वो हेलोवियल या सॉरी सेलुलर या न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसका मोडिफिकेशन होगा। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि हेलोवियल टाइप का एंडोस्पर्म डाइकोटिलेडन्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसे कि सेंटेलेसी सेक्सी फ्रेगेसी के अंदर हेलोवियल टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम है हेलोवियल टाइप एंडोस्पर्म का, प्राइमरी न्यूक्लियाई डिवाइड किया, तुरंत सेल वॉल बन जाती है, सेल वॉल बनी, यहाँ पर लगातार न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं माइक्रोपाइलर चैम्बर में, और ये जो चलाजल चैम्बर है ये स्मॉल है। बाद में क्या होगा, इसका न्यूक्लियाई डिग्रेड कर जाएंगे और यहाँ हमारा चलाजल सॉरी माइक्रोपाइलर के अंदर ही न्यूक्लियाई रहेंगे और वही हमारा एक्टिव एंडोस्पर्म बनाएगा। यहाँ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर सेलुलर और हेलोवियल एंडोस्पर्म। पहला है न्यूक्लियर टाइप, इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखा रखा है, ये क्या है, डिवाइड किया, दो हो गए और लगातार डिवाइड करेगा तो ये न्यूक्लियर टाइप बन गया। सेलुलर में डिवाइड करेगा तुरंत सेल वॉल फॉर्म होगी, यहाँ पर एक लाइन बनी ना, सेल वॉल है, ये सेल वॉल फॉर्म होगी और आगे भी पूरी सेल वॉल बन जाएगी, तो ये सेलुलर टाइप हुआ। हेलोवियल में क्या हुआ, एक बना, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड किया, दो बने, एक ने माइक्रोपाइलर वाला चैम्बर बड़ा बना और चलाजल चैम्बर छोटा बना। बाद में चलाजल वाला डिग्रेड हो जाएगा और माइक्रोपाइलर वाला चैम्बर एक्टिव एंडोस्पर्म बनाएगा।